गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और इंग्लिश ग्रामर में सिलेबस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज से मैं आपको रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगी। तो फर्स्ट लेसन का थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। क्या है द इंग्लिश अल्फ़ाबेट? इंग्लिश अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं? इन इंग्लिश व्हेन वी स्पीक वी मेक डिफरेंट साउंड्स, इन राइटिंग वी यूज डिफरेंट साइंस फॉर दीज वर्ड्स, ईच साइंस इज कॉल्ड अ लेटर। क्या होता है, हम लोग इंग्लिश कैसे लिखते हैं, हर एक एक अक्षर से एक शब्द बनता है, और शब्द को जब हम लोग एक लाइन में पिरो के उसको जोड़ के जब बोलते हैं तब वो एक सेंटेंस बनती है। ओके, तभी हम लोग उसको यूज़ करते हैं अपनी भाषा में, अपने बात करने के वे में सेंटेंस को यूज़ करते हैं। तो इन इंग्लिश कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और हम लोग कौन से दो, वी कैन राइट ईच लेटर्स इन टू वेज, किस तरह हम लिखते हैं इंग्लिश? इंग्लिश में हम लोग कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में लिखते हैं। ओके, इसके बाद क्या है, उसके बाद आते हैं व्हेन वी राइट लेटर्स और वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल इन द ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट दे आर सेट टू बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसको बोलते हैं बच्चों? जब हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लाइन से जब लिखते हैं तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं, और जब F A C D E ये सब होता है अनअल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं जब हम लोग सीरियल वाइज A B C D लिखते हैं। देखिए पिक्चर में बच्चों बना हुआ है एप्पल, बुक, कैट, डॉल, ये A B C D ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिक्शनरी ऑर्डर भी बोलते हैं। डिक्शनरी में भी आप जब खोलिएगा तो देखिएगा उसमें A B C D करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही दिया हुआ रहता है डिक्शनरी में मीनिंग्स। तो देखिए ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसमें आपको इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है एम आर सी आई, तो पहले क्या आता है, सी आता है, उसके बाद क्या आता है, आई, उसके बाद एम, उसके बाद आर। तो आपको ये चीज़ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, इसमें देखिए कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, इसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ए बी सी डी करके लिखना है। तो इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग वॉवल्स पे, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवल्स किसको बोलते हैं? ए ई आई ओ यू, ये पांच लेटर्स को हम लोग वॉवल्स बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट्स किसको बोलते हैं? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी, यू नहीं होगा, एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गया कॉन्सोनेंट्स। देर आर 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। ओके, और कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में। तो हम लोग वी यूज़ ए बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम लोग ए यूज़ करते हैं, और एन कब यूज़ करते हैं? जब कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है। तो देखिए ए कॉन्सोनेंट, ए कब यूज़ करते हैं? कॉन्सोनेंट जब स्टार्ट होता है। देखिए एग्जांपल्स क्या है, अ मैन, अ टेबल, अ चेयर, अ वुमन, अ यूनिकॉर्न, अ यूजफुल बुक। तो ये क्या हो गया, यू में आप नहीं यूज़ कर सकते हैं कॉन्सोनेंट, क्योंकि यू वॉवल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दे दिया है, लेकिन आपको वॉवल में लिखना है यू। तो अब देखिए क्या है, एन कब यूज़ करते हैं? वॉवल्स के आगे, तो एन एग, एन आउल, एन इग्लू, एन आ, एन अम्ब्रेला। ओके, तो ये सब हो गया वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब बच्चों ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि देर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, there are 5 vowels and there are 21 consonants।